वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत होंगे। आज जो है हम तहकीक के हवाले से हाफिज मोहम्मद शीरानी को पढ़ेंगे, जो कि तहकीक के हवाले से बहुत ही अहम है। तो आइए सबसे पहले जो है हम हाफिज मोहम्मद शीरानी के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। हाफिज मोहम्मद शीरानी जो है, जो इनका असल नाम था क्या था, जो इनका असल नाम था क्या था, महमूद खान था। महमूद खान जो है, हाफिज महमूद शीरानी का जो नाम था क्या था, महमूद खान जो है इनका नाम था। और शीरानी जो है, और शीरानी अफगानों 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 की कबीला अफगानों की कबीला शीरानी से ताल्लुक, शीरानी से जो है ताल्लुक रखने की वजह से जो है क्या लिखते थे, महमूद खान जो थे और शीरानी जो है इनका नाम था महमूद खान, और शीरानी जो है अफगानों के कबीले शीरान से ताल्लुक रखने की वजह से जो है ये शीरानी लिखते थे। तो उसके बाद जो है इनकी जो पैदाइश हुई है, हाफिज महमूद शीरानी की जो पैदाइश हुई है कब और कहाँ हुई है, 1880 ईस्वी में जो है पैदा हुए थे। हाफिज महमूद शीरानी जो है कब पैदा हुए थे, 1880 ईस्वी में जो है पैदा हुए थे। और जो इनका इंतकाल हुआ था, जो इनका इंतकाल हुआ था, जो इनका इंतकाल हुआ था 1946 में जो है इनका इंतकाल हुआ था, कहाँ पे, टोंक राजस्थान में। टोंक राजस्थान में जो है इनका इंतकाल हुआ था। हाफिज महमूद शीरानी जो है कब पैदा हुए थे, 1800 ईस्वी में जो है पैदा हुए थे। जो इनका इंतकाल हुआ था 1946 जो है ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे, टोंक राजस्थान में जो है इनका इंतकाल हुआ था। तो इसके बाद जो है जो इनके वालिद का नाम था क्या था, जो इनके वालिद का नाम था क्या था, मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल जो है इनके वालिद का नाम था मोहम्मद इस्माइल खान। हाफिज महमूद शीरानी जो है, जो इनके वालिद का नाम था क्या था, मोहम्मद इस्माइल खान जो है इनके वालिद का नाम था। महमूद शीरानी जो है किसके बाप थे, अख्तर शीरानी के बाप थे। अख्तर शीरानी के जो है क्या थे, वालिद थे। महमूद शीरानी जो है किसके वालिद थे, अख्तर शीरानी जो है इनके बेटे का नाम था। तो इसके बाद इसके जो बाद है, हाफिज महमूद शीरानी जो है, हाफिज महमूद शीरानी जो है, हाफिज महमूद शीरानी जो है इन्होंने क्या किया था, खालिक बारी को जो है जियाउद्दीन खुसरू, जियाउद्दीन खुसरू की तसनीफ, जियाउद्दीन खुसरू की जो तसनीफ साबित किया है।
जो हाफिज महमूद शीरानी थे, उन्होंने जो है खालिक बारी जो है, ये तसनीफ है, खालिक बारी बहुत ही अहम है। तो हाफिज महमूद शीरानी ने क्या किया था, खालिक बारी को जियाउद्दीन खसरू की तसनीफ साबित किया था। इसके बाद रशीद हसन खान ने जो है महमूद शीरानी रशीद हसन खान ने जो है महमूद शीरानी को क्या कहा था, रशीद हसन खान ने जो है महमूद शीरानी को जो है तहकीक का मालिम अवल कहा है, तहकीक का मालिम अवल जो है कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो है सॉरी रशीद हसन खान जो है इन्होंने तहकीक का मालिम अवल किसको करार दिया है, तो महमूद शीरानी को जो है करार दिया है। तो इसके बाद महमूद शीरानी ने जो है पहली बार जो है तहकीक में गैर जज्बाती अंदाजे नजर की जरूरत का जो है एहसास दिलाया है। हाफिज महमूद शीरानी ने जो है पहली बार क्या किया था, तहकीक में गैर जज्बाती अंदाज नजर की जरूरत का एहसास जो है दिलाया है। इसके बाद देखते हैं महमूद शीरानी नए माखज की तलाश महमूद शीरानी ने जो है नए माखज की तलाश और अवलीन अवलीन माखज की अहमियत अवलीन माखज की अहमियत पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है, हाफिज महमूद शीरानी ने नए माखज की तलाश और अवलीन माखज की जो है अहमियत पर जोर दिया है। उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई है, उर्दू की इब्तिदा उस जमाने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी जब सुल्तान मोहम्मद महमूद गजनवी और शहाब और जो है सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और जो है शहाबुद्दीन गौरी सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी जो है इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान पर जो है हमला किया था। हाफिज महमूद शीरानी के मुताबिक जो है उर्दू की इब्तिदा जो है इस उस जमाने में हुई जिसमें जो है जब जो है सुल्तान महमूद गजनवी और जो है शहाबुद्दीन गौरी जो है हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे। तो उसके बाद अगर हम इनकी तसनीफ की ओर जाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, इसको याद रखना जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। इनकी जो कारनामे हैं
की जो तसनीफ का नाम है तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम। यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो शेरुल अजम है शिबली की तसनीफ का नाम है और तनकीदी शेरुल अजम जो है शिरानी की जो तसनीफ है। ये जो है शेरुल अजम ये शिबली की है और तनकीदी शेरुल अजम जो है किसकी है, शिबली नामानी की है। तो उसके बाद जो है इनकी दूसरी तसनीफ का क्या नाम है, पृथ्वी राज रासू, पृथ्वी राज रासू 1944। उसके बाद जो है कुरान पाक की, कुरान पाक की कदीम तफसीर, ये इनकी और एक तसनीफ है। तो इसके बाद जो है आप लोग जानते होंगे बहुत ही अहम है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू जो है बहुत ही अहम है, इनकी बहुत अहम तसनीफ का नाम है।